Guys, welcome back to Nagendra Nayak Narratives. First vlog after wedding. ठीक है, जो जो मेहमान आए थे सब लोगों को घर भेज दिया, अच्छे खासे बाय बाय करके सब हो गया. अब हमारी बारी है उनके घर जाने का. तो वी आर ऑन आर वे टू बैंगलोर. पेट्रोल भरा रहे भाई, हमारे बहुत एक्साइटेड है. तो चलो लगे आते, उनको भी ले लेते. अरे शर्मा गया क्या? सो यस, वी आर गोइंग ऑन अ ड्राइव टू बैंगलोर. वहाँ से स्वामी वामियों को पिक करके क्या नहीं, उधर से अपन फ्लाइट से जाएंगे. बट स्टे ट्यून्ड, आज बैंगलोर तक मिलते साथ में. गाइज, अभी दो रास्तों का ऑप्शन है हमारे पास. वी गोइंग टूवर्ड्स मैंगलोर राइट नाउ. सो दो रास्तों का ऑप्शन है. वन इज वया चरमाड़ी घाट एंड द अदर वन इज वया मडिकेरी मैसूर. मडिकेरी मैसूर, अभी जो मैसूर बैंगलोर एक्सप्रेस हाईवे बना है तो मुझे वो एक बार चेक करना था. इट्स इज यहाँ से कि आधा घंटा ज़्यादा लगता है इफ़ यू चूज मडिकेरी रूट ओवर द चरमाड़ी घाट रूट. तो आई एम स्टिल काइंड ऑफ फिगरिंग आउट कौन से रास्ते से जाऊँ. मन तो है मेरा मैसूर से होके जाने का, बट बीसी रोड में अगर ट्रैफिक मिला तो हम लोग सीधा चरमाड़ी होके जाएंगे, नहीं तो मडिकेरी से होके जाएंगे. अभी शाम को हो चुके हैं 4:30 बजे. सो एस्टिमेटेड टाइम इज 7 आवर्स. तो 12:30 बजे तक तो अपने को 12:39, हाँ एग्जैक्टली 12:30 बजे, हाँ करेक्ट. सो उतना दिखा रहा है अभी. सो लेट्स सी हाउ इट हैपेंस. सो गाइज, इट्स अबाउट टू गेट डार्क. हम लोग बीसी रोड और क्रॉस करके कल्लड़ का पहुँचे हैं, बट शाम का टाइम है, चाय पी लेते हैं. वी हैव कम टू श्री लक्ष्मी निवास, वन ऑफ द ओल्डेस्ट होटल. 3 लेयर्स कॉफ़ी दिखाता हूँ मैं तुमको. कॉफ़ी 3 लेयर में मिलता है, ऐसे देखो 3 लेयर में. अगर मैं ये नहीं दिखाता तो तुम लोगों को पता नहीं होता कि 3 लेयर कैसा है ना ऐसा. यस चलो. ओहो, नया बना है पूरा होटल. अभी पिछली बार तो एक बहुत पुराना एक होटल हुआ करता था. तो आज बैठते हैं, मज़े करते हैं. सो गाइस, मैं अपने बीवी के साथ जिस होटल पे आया हूँ इसका नाम है होटल लक्ष्मी निवास. ठीक है, ये अभी ऐसा है, पहले वहाँ पे फोटो दिख रहा है ना, वैसे हुआ करता था. एंड वी हैव बोथ विजिटेड द होटल वाइल द होटल लुक दैट वे. ठीक है, तो 1952 में बना हुआ होटल है. इट्स मोर देन 62 ईयर्स ओल्ड नाउ. ठीक है, एंड दिस प्लेस इज़ फेमस फॉर इट्स 3 लेयर कॉफ़ी एंड डोसास. ठीक है, तो अभी हम लोगों ने एक एक बिस्कुट रोटी खाया, विच इज़ नाइस. बट वेटिंग फॉर दिस तुप्पा डोसा. आ गया. दिस इज मैसूर मसाला डोसा. दिस इज़ माई तुप्पा डोसा. देखो घी, देखो घी तैर रहा है, घी तैर रहा है, घी तैर रहा है. अभी देखो, मैं तुमको बताता हूँ, हाथ देखो मेरा कितना क्लीन है. मतलब चिकना ही नहीं है, या मतलब चिपचिपाहट नहीं है. अभी देखो, ओ माँ गो, देखा तुमने, घी से घी भरा. वाह, दिस इज अमेजिंग. हाँ, मैसूर मसाला डोसा. ठीक है, हाँ ठीक है. तो चटनी, सूखी चटनी भी डाली हुई है इसमें. खा के दिखाओ, मतलब खा के बताओ. ठीक है, वो भूख जब उसको लगता है तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं होती है. मैं होता हूँ तो हम लोग काटते हैं. तुप्पा सिर्फ चटनी के साथ खाएंगे. चटनी में ऐसे डुबाया, भर के डुबाया. नाउ तीखा चटनी. आह, चटनी सॉलिड है यार. आ गया. ओहो, ये देखो, 3 लेयर दूध, डिकॉक्शन, जादू. देखो यहाँ पे कुछ तो फंक्शन चल रहा है. उडुपी में पर्याय खत्म हो गया, यहाँ पे कोई तो फंक्शन चालू हो गया.
गाइस मजाक मजाक में हम लोग पहुंच गए हैं मडिकेरी. इट्स 9 o'clock राइट नाउ एंड वी आर ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ मडिकेरी. तो अभी सोच रहे हैं कि यहाँ पे एक अपना एक फेवरेट रेस्टोरेंट है, वहाँ पे खाना खाते फिर निकलते हैं. चलो लेट अस गो. आज मैं पोर्क खाऊंगा, आज मैं पोर्क खाऊंगा. गाइस बात ये है कि कुर्क्यूजिन गए हम लोग, नीचे गाड़ी पार्क किया, फिर याद आया अब और 3-4 घंटे गाड़ी चलानी है. अभी मस्त मैं पोर्क खाऊंगा तो पेल के खाऊंगा, तो उसके बाद गाड़ी चलाते वक्त फिर ना हो. सो दैट्स व्हाई वी कम टू बिग कप कैफे. ठीक है, तो यहाँ पे एक एक कैफे पी नहीं कॉफ़ी पियेंगे और यहाँ से निकलेंगे. कैफे तो क्यूट है यार, चलो दिखाता हूँ मैं. सही है ना जगह, वो साइड में और थोड़ा मस्त है. इधर देखो भैया फोन पे बात करते हुए. ओहो अच्छा, इसमें चूज करना है क्या कौन सा कॉफी चाहिए करके? नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है मेनू में. अरे बाप रे, मैं तो सोचा कुछ एकदम कॉन्सेप्ट टाइप का कुछ होगा. बट या ओके, ओह द ब्रूइंग सेक्शन इज हियर व्हिच इज नाइस. ये देखते मिलता है यार, वी कैन एक्चुअली गो एंड चेक दिस आउट. हाँ चलो चलो अंदर चलो भाई. कॉफ़ी खुद ब्रू करने मिलता है क्या यहाँ पे? अल्लेंत नोड़बोदा नोड़बोद नमगे माड़बोदा नावे माड़बोदा कॉफी ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಜಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನೋಡು. ಚಲೋ ಹಮಕ ಕರ್ನೆ ಕೋ ನೈ ಮಿಲೇಗಾ ಲೇಕಿನ್ ದೇಖ್ನೆ ಕೋ ಮಿಲೇಗಾ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಹಾ ಹಾ ಕಾಫಿ ರೋಸ್ಟರಿ ಠೀಕ ಹೈ ನೈಸ್ ಯೇ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಾ ಹೈ ಸೆಕ್ಷನ್ ದೇಖೊ ಅಲಗ ಅಲಗ ಟೈಪ್ ಕೆ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಹೈ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಓಹ್ ಯಾರ್ ಓಹೋ ಹೋ 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 ನೈ ಖರೀದ್ನಾ ಯಾರ್ करो यार करो यार, अब तो उम्मीद ही छूट गए. ओहो इधर देखो ये रोस्टर है शायद, और फिर यहाँ पे वाओ नाइस यार प्रो बैट नाइस यहाँ पे. अच्छा ये नॉट फॉर सेल है. ओ ये है एंटिक कॉफी क्रशर्स. कॉफी क्रशर नहीं है फिल्टर ही है एक्चुअली. ओ यस यस करेक्ट इंटरेस्टिंग यार मस्त. इसका क्या हो रहा है? नशा आ रहा कॉफी की स्मेल से. ओ ये देखो अभिषेक कॉफी के नशा करती है. अभी फिर ऐसे करो ना सर. ಒಂದು ಕೊಡಗು ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಲ್ಲ ಕಾಫಿ. ಬೆಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಜಾಗರಿ ಯಾ ಸರ್. ಯಾ ಓಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಏನಾ? ಹಾ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಷ್ಟೇ ಎಂಥಿಂಗ್ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ? ಎಂತ ಬೇಡ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಭಿ ಕಾಫಿ ಡ್ರೈವ್ ಕರ್ನಾ ಹೈ ನಾ ತೋ ಅಭಿ ಖಾನಾ ವನಾ ದೇಖ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮೇ. ಅಭಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾ ಹೈ ನಾ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾ ಹಮ್ ಆಜ್ ರಾತ್ ಕೋ ಹಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಹುಂಚೆಂಗೆ, ಕ್ಯಾ ಹಮ್ ಬೀಚ್ ಮೇ ಕಹಿ ಮೈಸೂರ್ ವೈಸೂರ್ ಜೈಸೆ ಜಗಹ ಪೇ ಕೋಯಿ ಹಾಲ್ಟ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹೆಂಗೆ, ಪತಾ ನೀ. ಜಾನ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ದೇಖ್ತೆ ರಹಿಯೇ ನಾಗೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ನರೇಟಿವ್ಸ್. ये क्या है? फिल्टर कॉफी. हाँ फिल्टर कॉफी, मेरा फिल्टर कॉफी आ गया. बेला कॉफी. ये देखो वागीशा अभी एटीट्यूड दिखाएगी, उसका बड़े कप में है. मेरे को क्यों छोटे कप में दिया भाई? रेगुलर फिल्टर कॉफी है. तो रेगुलर फिल्टर कॉफी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए? नहीं पीना चाहिए. क्यों? प्राइस का ही. क्यों, हेल्थ के लिए खराब होता है या प्राइस ज़्यादा हो जाता है? ठीक है भाई, थैंक यू थैंक यू. चला ऑल राइट. एस्थेटिक्स को सेट कर फोटो लेते हुए वागीशा बेल्ला कॉफ़ी का और मेरा फिल्टर कॉफ़ी. ये देखो ये फ्रेम देखो तुम. मेरा ज़्यादा बेटर लग रहा है क्योंकि मेरे फ्रेम यहाँ पे है. ओह माय गॉड, वैसे मैं सख्त लौंडा हूँ, यहाँ मैं पिघल गया. ओके वागीशा के द्वारा टेस्ट टेस्टिंग होते हुए. You will find it too sweet. Too sweet, okay. Very delicious. And how is the Bella coffee? Bella Ciao. My God. Okay, iske khul gayi puri. Ah, actually maza aa raha hai.
वो क्या है ना, शक्कर तैर रहा है ऊपर से. मेरे को शक्कर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हेल्थ वाइज, बट आई प्रिफर इट टू बी अ लिटिल बिटर. तो ओके, कुछ ऑयली खाने से क्या होता है? पूरा तेल थे. एक फोटो दिखाऊं? वेट, ये मैं स्टोरी में डालूंगी. ओह नाइस, ये डालो ना. जाने के बाद. अरे पागल, ऐसे नहीं वागीशा. कैसे दे? देखो गाइस, अभी तुम लोगों को अभी सिखाता हूँ फॉलोअर्स कैसे बढ़ाया जाता है. रिसेप्शन में 4 लोग हैं, ठीक है? आई एम श्योर उनका पेज होगा. अगर तुमको पेज वैसे भी मिल भी जाए तब भी रिसेप्शन में जाओ, उनसे पूछो, एक्सक्यूज मी डू यू हैव अ इंस्टाग्राम पेज, आई वांट टू टैग अ पिक्चर करके. खुश हो जाएंगे फिर तुम. ओके डन बोलो, तब वो बोलेंगे व्हाट इज योर पेज नेम मैम. मतलब 4 लोग मिल जाएंगे फॉलोअर्स. देखो गाइस, ऐसे बढ़ाया जाता है फॉलोअर्स. हाँ मैं तो इसको मैं ऐसे नहीं बढ़ाता अभिषा, मेरा तो तुम लोगों को पता है ना, उधर ट्रांजैक्शन हो रहा है. ए भाई भाई, दबे मोबाइल खोल, उसको पता भी नहीं क्यों बोल रहा मैं. वो मोबाइल खोल, यूट्यूब खोल. हाँ उधर नागिनन नायक नैरेटिव्स आएगा, सब्सक्राइब दबा करके. मेरा ऐसा होता है गाइस. देखो कॉफ़ी वॉफी पी लिए, अभी निकलेंगे वापस. बाय द वे, वागीशा ने पूछा, हमेशा वो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स कैफे बोलते रहते हो, आज सडनली तुमको ये पॉश वाले फैंसी कैफे में जाने का क्या मन हुआ? मतलब कंटेंट. सो गाइस, टाइम हो चुका है 12, वी आर अराउंड 30 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मैसूर राइट नाउ. सो अब आगे नहीं जाएंगे, मैसूर में रुक जाएंगे. द रूम इज बुक्ड एंड वी स्टॉप बाय फॉर डिनर एट जनता रेस्टोरेंट. हाँ चलो कुछ खा लेते हैं. और ये शादी वादी के चक्कर में ना, काफ़ी टाइम से हम लोग वेज पे टिके हुए हैं अगेंस्ट आर नेचर. तो आज ना जम के नॉन वेज खाएँगे और इसके बाद रूम में जाके सोएंगे. ऑल राइट गाइस, द फूड इज़ हियर एंड फूड इज़ गर्मा गर्म. एंड दिस, ओह शिट यार, परोठा गर्म है. काफ़ी टाइम हुआ था ये बोले. सो हियर इज चिकन चिल्ली देसी स्टाइल, घी राइस. घी राइस के साथ उन्होंने दाल और रायता दिया हुआ है. दिस इज चिकन करी एंड गर्म गर्म परोठा. हाँ लॉग ये दिखाएगी, देखो ये है दाल इसके साथ, इसके साथ ये एक्चुअली दिया था घी राइस के साथ दाल. दैट कॉम्बिनेशन इज वाओ. ऑलराइट गाइस, चलो मजा आ गया, लेट्स हैव फन. तो चलो देखो बसेस भी आ गए हैं, अभी भर भर के कस्टमर्स मिल जाएंगे उनको. तो अपन करते हैं यहाँ से प्रस्थान और मिलते हैं मैसूर के होटल पे. सिग्नेचर भेजा पिन कोड प्लीज. ये क्या है यार, मतलब सही में ये देखो, मैं आया कहाँ से और मुझे जाना कहाँ है. मैंने लिख दिया हाउ डज इट मैटर टू यू. ठीक है, और कंपनी, मेरा डेसिग्नेशन, मैं विजिटिंग कार्ड देता हूँ, फिर कहाँ जाना है उसके लिए मैं अपना लाइव लोकेशन भेज देता हूँ इसको व्हाट्सएप पे. मोड ऑफ पेमेंट ऑलरेडी पेड, लिख दो ना ऑलरेडी पेड. हाँ यार लिख दो बाबा. गाइस स्पेस वैसे देखने में अच्छा है, रात के 1 बज चुके हैं. अब बात यह है कि मैंने दरवाजे को लगा कर गाड़ी रुकाया था. हाँ एक बोतल था ना पानी, हाँ इधर, हाँ वहीं पे. दरवाजे को लगा कर मैंने किया था. सो उसके बाद जो किस्सा हुआ मैं तुम लोगों को कल बताता हूँ जो भी हुआ. सो आई थिंक इट्स टू डार्क राइट नाउ टू यू नो शो माई फेस, सो लेट मी साइन ऑफ फॉर राइट नाउ. Thank you so much for watching. I'll see you tomorrow. Ta-ta.